नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट की बात करें तो कल मार्केट के लिए तीन बड़े इवेंट्स थे। पहला था इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा, दूसरा था यूएस का इन्फ्लेशन डाटा एंड थर्ड था TCS रिजल्ट्स। एंड एक और अगर आप ऐड करना चाहें तो फेड के मिनट्स भी आने थे कल, तो वो भी आते हुए दिखे। अगर अमेरिका के बाजार की बात करें तो बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन का डाटा आया। भारत के बाजार की बात करें तो बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन का डाटा आया, बहुत पॉजिटिव। वहीं फेड मिनट्स की बात करें तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, जब कहीं ना कहीं जेरोम पॉवेल साहब ने कहा कि बैंकिंग स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से स्लो डाउन रह सकता है और ये एक प्रेशर का काम करता हुआ दिखा अमेरिका के बाजार में। तो इस कमेंट्री के बाद अमेरिका के बाजार आपको नीचे के लेवल्स पे जाते हुए देखे। अदरवाइज आपने देखा होगा कल एक गैप अप ओपनिंग हुई थी इन्फ्लेशन के डाटा के बाद, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट था, बट जब फेड मिनट्स आए तो वो थोड़ा प्रेशर बनाते हुए देखे। वहीं हम अपने भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी फ्लैट है, कुछ मूव नहीं है, 15 पॉइंट्स नीचे। सेंसेक्स फ्लैट, 17 पॉइंट्स नीचे। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है, 161 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रही है। और TCS अपने रिजल्ट्स पे नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है। कल ही मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि TCS ने निराश कर दिया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आपके साथ ये कहा था, मैंने आपको नंबर्स दिए थे प्रीव्यू में कि ये नंबर्स देख लो, कहीं भी वीडियो देखना, कहीं भी नंबर पढ़ना, कुछ नहीं चेक करना, जो नंबर दे रहा हूं इससे कंपेयर कर लेना कि इससे ऊपर आए नंबर्स अच्छे हैं, इससे नीचे आए नंबर्स खराब हैं। सिंपल, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े रहे, काफी ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने हमारे रिजल्ट्स, और नॉर्मली जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है उस पर आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हो और आपको मतलब समझ में आती है मेरी बात। सबसे अच्छी बात है विदाउट मैं कुछ स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन नहीं देता उसके बावजूद। अब TCS में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिये, पहली बात तो ये सीजनल वीक क्वार्टर रहता है IT कंपनीज के लिए, ये सबको उम्मीद थी। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से थी कि कम रहता है तो कम की उम्मीद लेके जाते हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे भी कम नंबर्स आए हैं। एक बार नंबर भी अगर मैं आपके साथ दोबारा से रिपीट कर दूं तो थोड़ा ठीक रहेगा, वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही होंगे, बट शॉर्ट में रिकैप ले लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में TCS के। तो जो एग्जैक्टली मैं आपके साथ नंबर शेयर करता हूं, मुझे एक मिनट का समय लगेगा। जी हाँ, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा 11,390 करोड़ का। मार्केट के एस्टिमेट्स थे 11,600 टू 700 करोड़ के बीच में आनी चाहिए, उससे नीचे आए इसका मतलब खराब है। रेवेन्यू की बात करें तो 59,160 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करा, मार्केट का अनुमान 59,200 करोड़ का रेवेन्यू था, तो यहां भी स्लाइटली मिस हो गया। एबिट की बात करें तो लगभग 14,500 करोड़ के एबिट कंपनी ने पोस्ट करे, अनुमान 14,800 करोड़ का था, तो यहां भी स्लाइटली मिस हुआ। एबिट मार्जिन्स ज्यादा मिस हो गए, लगभग 24.49% पे आए, 24.53% से घटकर, तो एबिट मार्जिन घट गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, अनुमान था कि बढ़कर आएंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल इसके चलते आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं के कृतिवासन जी जो कि नए CEO MD बनेंगे वो 1 जून से कार्यकाल संभालेंगे, तो ये भी कंपनी ने अपडेट दिया। अब क्या करें क्या ना करें इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस ने आज बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इस पे अपनी रिपोर्ट निकाली, जहां पे टारगेट कुछ ज्यादा बड़े है नहीं, मैक्सिमम टारगेट भी अराउंड 3350 का है और लोअर साइड पे देखे तो वो JP Morgan 2700 रुपए तक की बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में समझते हैं। देखिए, 3180 मैंने आपके साथ कल भी यही लेवल शेयर करा था, आज भी यही शेयर कर रहा हूँ। 3180 ब्रेक होता है इस स्टॉक में, अभी 3190 पे केवल 10 पॉइंट है, तो फिर ये स्टॉक आपको थोड़ी बड़ी और डीप गिरावट दिखा सकता है, जो कि अराउंड 3120 रुपीज तक लेके जाएगा स्टॉक को। और अच्छा और बेस बड़ा सपोर्ट जो है वो 3100 का ही है, तो 3180 के नीचे 3120 के आसपास तक आ जाएगा। ये ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, तो वहां तक आ सकता है स्टॉक। और उसके बाद 3100 भी अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर बड़ी और डीप गिरावट होगी, अदरवाइज आपको वहीं कहीं रुकता हुआ दिखेगा ये स्टॉक। अब इन्वेस्टर्स के लिए तो आप परेशान मत होइए, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई अभी देखते रहो, परेशान नहीं होना, नीचे चला जाएगा तब परेशान होना। नीचे जाना स्टॉक का काम है, ऊपर आना स्टॉक का काम है, आपका काम है धैर्य रखना, तो आप अपने काम पे फोकस करो। TCS जैसी दिग्गज कंपनी में अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी आ गई है, खराब हो गई है, तो फिर आप मतलब कहां पैसा बनाओगे। भारत की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ये, भारत की लार्जेस्ट IT कंपनी है और सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैप, फर्स्ट रिलायंस है, तो इस पे आप भरोसा नहीं करोगे तो मेरे को नहीं लगता आप फिर कहीं पैसा बना पाओगे और कहीं भरोसा रख पाओगे।
तो मैं आप जो भी निवेशक मेरी वीडियो देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं या नंबर खराब आ गए, स्टॉक गिर रहा है, अभी और गिरावट हो सकती है, ब्रोकरेज हाउसेस डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो देखिए ब्रोकरेज हाउसेस का काम है गिरते शेयर को डाउनग्रेड करना, उठते शेयर को अपग्रेड करना है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बजाज ऑटो एंड आपके लिए और आईशर मोटर वगैरह, जब ये 2600 पे थे तो इन्हें और नीचे के टारगेट्स दे रहे थे, आज बजाज ऑटो 4200 पे आ गया तो और ऊपर के टारगेट आ रहे हैं, तो ये इनका काम है, आप इससे टेंशन मत लीजिए, वो रिपोर्ट कंटिन्यू निकालते रहते हैं। लेकिन टीसीएस जैसे स्टॉक में आपको डर लग रहा है वो एक गलत बात है, आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, 4500 रुपए पे कंपनी ने 18000 करोड़ का खरीदारी करी है, खुद बायबैक किया था, एंड कंपनी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमेशा बायबैक के प्राइस को सरपास करती है। तो यहां से अगर 2 साल भी ले ले कंपनी अपने बायबैक को पार करने में, तो 3200 वाला अगर 5000 हो जाएगा तो फिर आपका पैसा बड़ा बन जाएगा और आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी अब आपको 3100 दिख जाए, 3000 दिख जाए और 2900 दिख जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो इतना ही कर सकते हैं कि हम लेके बैठे हैं, बैठे रहेंगे बस। अब इन्वेस्टर वो नहीं होता जो अपने मतलब जरूरत का पैसा लगा दे बाजार में, फिर उसे भैया अगले एक महीने में चाहिए, तो वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर स्टॉप लॉस रखना मस्ट है, और स्टॉप लॉस छोटा है 3180 का, वो ब्रेक होता है तो 3120 तक जा सकता है स्टॉक। आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप कल भी सकते थे, बट कल मार्केट बंद है, शाम को इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं, उम्मीद बहुत कम है, और अच्छे आ गए तो फिर मंडे को वो लीड कर जाएगा, रैली दे सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।